नमस्कार, न्यूज टेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और खबर दो बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आगरा से बड़ी जानकारी है। राजा की मंजिल रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है। चामुंडा देवी मंदिर को हटाए जाने का विरोध करते तमाम लोग यहां नजर आए हैं। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने प्रदर्शन किया है। डीआरएम ऑफिस में नारेबाजी की है। डीआरएम ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ तक किया है। डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम आगरा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। हिंदू जागरण मंच के लोग यहां पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। न केवल प्रदर्शन किया है पर इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर किया है। रेलवे प्रशासन की तरफ से मंदिर को हटाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है और यही विवाद अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए हिंदू जागरण मंच के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। राजनगरी आगरा में चामुंडा देवी मंदिर विवाद गहराता जा रहा है और किस तरीके से यह राजनीतिक रंग लेता जा रहा है ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस समय आगरा के डीआरएम कार्यालय में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है और एक ही जिद है कि मंदिर नहीं हटेगा। राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर जो मंदिर बना हुआ है, रेलवे का ये कहना है कि वो मंदिर जो है उसकी कुछ जगह जो है वो प्लेटफॉर्म पर आती है जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और रेलवे का ट्रैक पूरी तरीके से अपनी गति को अंजाम नहीं दे पाता है। और इसके बाद डीआरएम आगरा ने एक नोटिस जो है वो ऐसी सभी स्थलों को दिया, चाहे वो मंदिर हो, राजा मंडी का चामुंडा देवी या फिर मस्जिद हो, सभी को एक नोटिस दिया और इस बात को कहा कि 8 दिन में उस जगह को खाली कर दिया जाए। सीधा मैंने लोगों से बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे मामले में माजरा क्या है और इस माजरे में लोगों का क्या कुछ कहना है। सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं। हनुमान चालीसा की गौरी सा जो राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर है, डीआरएम साहब ने आदेश दिए थे उसे तोड़ने के। हमारा मांग है डीआरएम साहब से कि मंदिर 1 इंच भी पीछे नहीं होगा, 1 ईंट उससे नहीं हटाई जाएगी। अधिकारियों का ये कहना है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका ये कहना है कि इस मामले में नहीं समझौता किस चीज का, समझौता उस चीज का होता है जो काम बिगड़ता है। समझौता इस चीज का नहीं होता कि तुम हमारे बने बनाए मंदिर को हटा दो। और साहब बजरंग दल कार सेवक वो व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर, गिरे हुए मंदिर को अपनी प्राणों की आहुति देके बनवा लिया। इस मंदिर को हटाने की बात तो दूर, डीआरएम साहब इस मंदिर की तरफ अगर आंख उठा के भी देखोगे तो आंख निकालने का काम बजरंग दल करेगा। इसलिए उस मंदिर को लाखों हिंदुओं की आस्था के मंदिर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये आपको चुनौती नहीं चेतावनी है। हिंदू जागरण मंच की तरफ से तमाम साधु संतों के वजह से मंदिर के पुजारियों की तरफ से कि जो मंदिर है वो काफी साल पुराना है, बरसों पुराना है और इस राजा मंदिर रेलवे स्टेशन से पहले का वो मंदिर है और ऐसे में इस प्राचीन मंदिर को हटाना कहीं ना कहीं गलत है और यही वजह है कि तमाम हिंदू संतों के जो लोग मंदिर के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। विजिलेंस पुलिस के साथ आगरा से विनीत, न्यूज उत्तर प्रदेश। आगरा में चामुंडा मंदिर हटाने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस मामले में डीआरएम से बातचीत की है संवाददाता विनीत दुबे ने, जिन्होंने कहा है कि यह विवाद बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है लेकिन जो कार्रवाई होनी है वो कानून के तहत की जाएगी। मंदिर का कुछ हिस्सा प्लेटफॉर्म को घेर रहा है जिससे ट्रेन के संचालन में दिक्कत होती है, उसी को हटाया जाएगा। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, राजा की मंडी में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए हमने नोटिस दिया था। उसमें जो करीबन 1700 स्क्वायर मीटर में एक मंदिर का परिसर है और उसमें 600 स्क्वायर मीटर मंदिर का भवन है, तो उस 600 स्क्वायर मीटर में अराउंड 72 स्क्वायर मीटर का भवन जो है वो प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और एक हमारा एक स्टेचुरी क्लियरेंस रहता है कि ट्रेन चलती है और वहां पर अगर ट्रेन को रुकनी है तो एक मिनिमम क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट है और उसी के बेसिस पर हम लोग ट्रेन चलाने का जो लाइसेंस लेते हैं, इसके तहत हमने नोटिस दिया था। जो नोटिस एक भी जो दिया है वो भी एक प्रोश्योर के तहत हमने दिया है, एक हमारा एक रिटेन प्रोश्योर है कि इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए।
आगरा के चामुंडा देवी मंदिर का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए हैं और रेलवे को चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं हटेगा। तो उधर रेलवे ने नूरी मस्जिद को भी नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले पे एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर और हमारे पीछे ये मंदिर का वही हिस्सा है जिसको लेकर रेलवे और हिंदूवादी नेताओं में विवाद छिड़ा हुआ है। आगरा में चामुंडा देवी मंदिर को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 70 मीटर के इस एरिया को हटाने के लिए डीआरएम आगरा ने मंदिर पर नोटिस चस्पा किया और कहा है कि इस मंदिर को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। मामले में डीआरएम ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि अब या तो मंदिर रहेगा या फिर स्टेशन। वहीं नूरी मस्जिद को लेकर भी नोटिस भेजा गया है। देखिए, रेलवे जो अपनी जमीनों पे जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने के सिलसिले में काफी सारी इमारतें रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस उनको नोटिस दिए गए थे। उसी क्रम में इस मजार को भी नोटिस दिया गया था, जिसमें पहले एक प्रिलिमिनरी नोटिस दिया गया था, उसके बाद दूसरा जो रेलवे के संपदा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया गया है, जो कि जिसमें उनको उनका पक्ष रखने के लिए 13 मई को समय दिया गया। डीआरएम के ट्वीट के बाद हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए हैं, खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि मंदिर नहीं हटेगा चाहे स्टेशन को कहीं ले जाएं। पूरी तरह हमारा जो निर्णय है वो साफ है कि हम किसी भी कीमत पे इस मंदिर को यहाँ से हटने नहीं देंगे। डीआरएम साहब इस समय पता नहीं किस मानसिकता से काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्टैंड यही है कि डीआरएम साहब एक बार आए और यहाँ की कमेटी के लोगों से बात करें, यहाँ के मेहंदी जी से बात करें, इसका समाधान का रास्ता निकालें। चामुंडा देवी मंदिर के महंत भी अड़े हैं कि मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। नहीं तो फाइनल निर्णय हमारा यही है कि मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। बैठ करके बात कर लें, अगर कोई रास्ता है तो निकाल लें, लेकिन कुछ भी हो मंदिर तो जैसा था वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। हमें मंदिर के प्रति किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने को तैयार है, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। श्रद्धालुओं के मुताबिक मंदिर का गर्भगृह स्थापित है जिसे वो किसी भी सूरत में हटने नहीं देंगे। मंदिर प्रबंधन ने यह भी कहा कि रेलवे अगर चाहे तो राजा मंडी स्टेशन को बिलौचपुर में शिफ्ट कर सकता है। तो हिंदूवादी नेता इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीर साफ कर चुके हैं कि वो मंदिर की एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। आपको बता दें कि ये मंदिर का वही हिस्सा है और इस मंदिर के हिस्से के बाद में ये जो हिस्सा बचा हुआ प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना कि जब यहाँ पर मेट्रो चलेगी, हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी तो हादसे का खतरा यहाँ पर बना रहेगा, इसी वजह से मंदिर को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। लेकिन हिंदूवादी नेताओं ने अपनी तस्वीर ये साफ कर दी है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन मंदिर को यहाँ से शिफ्ट।